उपायुक्त परिमंडल जोन क्रमांक एक के डीसीपी नरुल हसन ने गुरुवार को एमआईडीसी वाड़ी क्षेत्र में रात भर कैपिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें अवैध रेती ट्रक के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 9 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त करने की जानकारी डीसीपी नरुल हसन ने दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एमआईडीसी वाड़ी थाना क्षेत्र में अवैध धंधे जोरों शोरों से चल रही थी, जिस पर अंकुश लगाने के लिए डीसीपी ने अब कैबिंग ऑपरेशन चलाया। गुरुवार को रात 11 बजे से शुक्रवार के सुबह 5 बजे तक अपने दल बल के साथ डीसीपी ने कैबिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें वाड़ी के पीआर राजेंद्र पाठक, डीबी के अविनाश जयभाय भी कैबिंग ऑपरेशन में थे। रेती लदा एक ट्रक क्रमांक MH40Y6331 खापा होते हुए फेटरी मार्ग से वाड़ी में हरिओम सोसाइटी में पहुंचा था। इसकी जानकारी डीसीपी हसन को मिलते ही डीसीपी ने ट्रक को तीन आरोपी के साथ धर दबोचा। एक आरोपी भागने में सफल हुआ। धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया। क्षेत्र के 36 हिस्ट्री सीटर की भी जांच की गई। 3 हिस्ट्री सीटर घर पर नहीं मिले। 14 संपत्ति के मामले में लिप्त अपराधी व 23 विविध अपराधियों की भी जांच की गई। 46 बोतलों में 15,656 रुपए की देसी शराब को पकड़कर जब्त किया। महाराष्ट्र शराब अधिनियम 6 के तहत एमआईडीसी थाने में अपराध दर्ज किया गया। इस दौरान ईद की पूर्व संध्या पर सभी मस्जिद मंदिर मूर्तियों की जाँच भी की गयी। सावजी भोजनालय, होटल और लॉन्च बार आदि की भी कड़ी जांच की गई। इस अभियान में डीसीपी नरुल हसन के साथ 11 अधिकारी व 53 अमलदार पुलिस कर्मचारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध धंधे करने वाले व हिस्ट्री शीटर भू माफियाओं में डर का माहौल बना है। वहीं क्षेत्र के नागरिकों ने डीसीपी के कार्रवाई का स्वागत किया। आरोपी हरिओम सोसाइटी दत्तवाड़ी निवासी अनिल बाबूलाल डहरवाल, नागलवाड़ी सावनेर निवासी मनोज उइके, गणेश उइके, फरार आरोपी हिवरी नगर नंदनवन निवासी रूपेश आकरे पर वाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया। वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।